घाघरा थाना क्षेत्र के सारंगो ग्राम में बने बांस शिल्प विकास केंद्र का डीसी सुशांत गौरव और उप विकास आयुक्त हेमंत सती ने निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ने कारीगरों के बीच टूल्स किट भी बांटे। डीसी ने कामगारों से बांस से कैसे सामान बनाते हैं और उससे क्या आमदनी होती है इसकी भी जानकारी दी। कारीगरों ने बताया कि बांस शिल्प विकास केंद्र का निर्माण होने से उन्हें परंपरागत पेशे को आगे बढ़ाने और उससे आय अर्जित करने में काफी मदद मिल सकती है। कारीगरों की पहले तो शुरुआत से हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक एक करके पहले सर्वे किया, तो जिला भर के सर्वे में करीब 1150 ऐसे परिवार मिले जो इस कारीगरी से बहुत दिनों से जुड़े हुए और जिनको और बेहतर होने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपना। तो उसके चयन के उपरांत सभी लोगों को एक टूल किट जो है वितरण कराया गया जो उनके हिसाब से ही मॉडिफाइड है, और इस टूल किट के माध्यम से ये अपने प्रोडक्शन को और वेराइटी देकर और ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनके 8 क्लस्टर्स को जो हम लोगों ने शुरू में चिन्हित किया था फर्स्ट फेज में, उन सभी जगहों पर ऐसा एक केंद्र बना है जहां ये बैठ के अपने बना सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।